पंचकपे का सारा हो गया ठीक है। उसके बाद द्रुप पकड़ो एक, उन्हें एक द्रुप कहना उनके हृदय की स्पर्श करना, स्पर्श करते जाना छोड़ते जाना, करते जाना छोड़ते जाना। ओम आम ह्रीम क्रोम यम राम गुरु मेदेव सर्वकारीषु सर्वदा ओम गंगणपते नमः। गणपति पप्पा मोरिया। कठुआ न्यूज 24/7 दिखने वाले सारे दर्शकों की मतियां मतियां मुबारक। अज साढ़े गणपति पापा जेड़े है ना वो विराजमान होए दे, ते हर साल श्री गणेश महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट कठुआ धूमधाम करने श्री गणेश महोत्सव मनाती है। तो देखो गणपति पापा हुंदी मूर्ति थोड़े सामने जेड़ी लब्भे करती है और बड़े अच्छे तरीके करने पूजा अर्चना दे करने मूर्ति जेड़ी है ना स्थापित कीती है। ते मैं तुसें की सनाणा कि अभी आगे चले आगे दस्सी ओड़ो पंडाल भी दसगे तुहानू सारा दसगे। उसके कन्ने कन्ने मैं तुसें की यह भी दसदा जिन्नी देर तक तुसीं दिखे करदे हो कि 6 सितंबर जियां कि अज यह प्रोग्राम शुरू होना है, तो अज प्रोग्राम शुरू होई गेदा ते हून 16 सितंबर तक चलना है। तो इत्थे तुस आना भगवान का आशीर्वाद लैना है, तो उहदे कन्ने कन्ने 16 सितंबर तक यह प्रोग्राम चलना है। तो इहदे कन्ने जिहड़ी अगर उस साइड कैमरा करदे तो पूरी पूजा अर्चना कन्ने जिहड़ा ना इत्थे कार्यक्रम जिहड़ा ना ओह हुंदा है। उहदे कन्ने कन्ने मैं तुसें यह भी सनाउणा कि सवेरे ते शामी प्रोग्राम पूरा होंदा, धार्मिक कार्यक्रम होंदा, बड़ी चढ़ियै जेहड़े लोग आते हैं। तो अबे कि मैं आगा थोड़ा पिछे आइए पूरा पंडाल दसो, जेहड़ा पंडाल तुस दिखा करदे हो पूरा इसलिए तुहानू खाली लभे करदा, पर शाम जिल्ले पौनी है ना उसलै तुहानू जगह नहीं लभनी बैठने की। इहदे कन्ने कन्ने अगे आइयो मेरे कन्ने इधर चैरिटेबल ट्रस्ट दे एक शख्स है गगन। गगन पहले तो मतियां मतियां मुबारकां तुहानू, मुबारकां भी तुहानू जी। बोलो मी दसो किन्नी खुशी होंदी जिल्ले श्री गणेश महोत्सव आंदा? खुशी तो देखो भैया बड़ी ज्यादा होंदी है, जिहड़े 10 दिन आए ते सेवा करने होने ना इन्ना मजा आता ना जिंदगी में, वो कोई मजा नहीं है यही मजा जी। तो हम कार्यक्रम आज तो शुरू है, कार्यक्रम आज तो शुरू है जी, शामी रासलीला वगैरह भी होनी है जी। ते तुसी सारे कठुआ वाले आखना जिन्ने सारे भाई बंधु है जिन्ने भी है सारे ने आओ। टाइम दस्सी ओड़ो तुस राती वाला टाइम, थोड़ी 8 बजे को रासलीला शुरू ही नहीं है जी, उस बाद 9 to 10 दे विच साडी आरती शुरू ही नहीं है। शुरू ही है हां जी। ते जेहड़े इत्थे पंडाल च इयां लोग आके खाली होणा, पंडाल दी जगह मिलदी है? पंडाल दी जगह हर बार कट हो जांदी है, इस बार ये काफी पंडाल बता रहा है। अच्छा। लेकिन कोशिश यही है कि घट नहीं पोए। अच्छा। हर वे लेकिन घट पोई होती है। लेकिन सिस्टम बनाओ कि कल की कोई ऐसी वारदात नहीं होए कि तुहानू भी दिक्कत होए ते सानू भी दिक्कत होए। इसलिए हर साल होती है, सारा सिस्टम बनाई चले रली मिली इस आयोजन जरा किया है कठुआ गणेश उत्सव का जरा टीम करती है हर बार उसी अच्छे तरीके कन्ने ही कराओ। बाकी बहुत शुक्रिया गगन। तो गगन ने बड़ा शैल बोलिया मेरे भ्रा ने, उन्हें आख्या ठीक है यार सारे की देखो रली मिलियै मनाना चाहिए। तो सब कमेटी देखो कि मेहनत करने सारा तैयार करते हैं। तो उसके बाद बाहर जिले अं दिखने होने कोई लड़ाइया होए करते कुछ ये नहीं करना, तो गणपति पप्पा का आशीर्वाद लो इसको शैल जी गल है। तो हूँ भी तुस मैं हूँ जी स्टार्टिंग केक वीडियो भी कन्ने जोड़ी ओड़ना, तो हूँ तू एक बार परती आवे कैमरा घुमाओ तो ताकि लोग जिन्हें घर बैठे थे सारे गणपति पप्पा हमारा आशीर्वाद प्राप्त कर लैन। ते कमेंट च गणपति पप्पा मोरिया जरूर लिखना, ते तुस सारे जेड़ा गणपति पप्पा आशीर्वाद जेड़ा ना वो लो, ते जो मनोकामना ना जो मनोकामना तुस मंगो ते तुहाड़ी पूरी होनी है। गणपति पप्पा हमेशा पूरी करदे आ, इस साल भी करनी उन्हें हर साल पूरी करदे आ। ते घर बैठे दे भी तुस जे मंगे ना, वैसे तो इधर आओ जे घर बैठे मंगे ना तां भी तुहाड़ी जिहड़ी मनोकामना ना वो पूरी होनी। एक बार सारे की मतियां मतियां मुबारकां ते गणपति पप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति बोलिए गौरी गणेश भगवान की। मथा देखो महाराज।
दिवाकरी जी बताया कि आज किस तरह से कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। आज विक्रमी संवत 2081 भाद्रो मास के शुक्ल पक्ष की आज कलंक चतुर्थी है, शनिवार है, बड़ा विचित्र संयोग है। आज गणपति बप्पा का जन्मोत्सव है। इस भगवान गणपति बप्पा के जन्मोत्सव की इस मंगल वेला पर सभी भारतवासियों को श्री गणेश महोत्सव ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। मैं गणेश भगवान जी के आगे वंदन करता हूँ कि भगवान पूरा विश्व जो है वो मंगलकारी हो, पूरा विश्व जो है वो सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भावभीत। सनातन ने हमेशा संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना की है। तो ये जो गणेश उत्सव श्री गणेश महोत्सव ट्रस्ट की तरफ से ये किया जाता है, ये निरंतर 14 वर्षों से ये गणेश उत्सव किया जाता है। इस गणेश उत्सव का एक ही लक्ष्य है कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र सुखी हो, मेरा देश, मेरा राष्ट्र संपन्न हो, मेरे देश और राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर प्राणी जो है वो मंगलकारी हो, सुखमय हो, परिवार में सुख शांति हो, कारोबार में वृद्धि हो। इस हेतु ये श्री गणेश महोत्सव हर वर्ष यहाँ पर किया जाता है। इस मंगल पर्व पर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम जो है आज 7 सितंबर 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक ये निरंतर चलेगा। हर रोज़ सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक 2.5 घंटे भगवान श्री गणेश जी की पूजा होगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा के उपरांत हवन होगा, शाम को संध्या वंदन होगा, उसके बाद संध्या आरती होगी, उसके उपरांत रासलीला का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिन लोगों तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, मेरा श्री गणेश महोत्सव ट्रस्ट की तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके सभी परिवारजनों को, सभी भक्तजनों को हार्दिक निवेदन है, वंदन है कि आप अपने परिवार सहित इस मंगल कार्य में आए, भगवान के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धा के सुमन समर्पित करें, भगवान पूरे विश्व में मंगल करें। ऐसी हम सब मिल करके जब कामना करते हैं तो पूरा विश्व मंगलमय होता है। सनातन ही एक ऐसा है जिसने पूरे विश्व के मंगल की कामना की है। तो मेरा सब भक्तों से निवेदन है कि आप सब इस कार्यक्रम जी भैया बताएंगे आज जो कार्यक्रम शुरू होने के बाद जो रोजाना रात को कार्यक्रम सुबह कार्यक्रम हो गया किस तरह से उसके रूपरेखा है। जय श्री गणेशाय नमः। जैसा कि अभी आपको सारा विस्तार पूर्वक दिवाकर जी ने बता दिया है, ये हमारा जो गणेश उत्सव है ये 14 सालों से चल रहा है, ये 15वां साल, अब ये कार्यक्रम जो है ये 15वें साल में आ गया है। तो जितना भी ये हमारा पंडाल या जितना भी हमारा खर्चा होता है ये कठुआ की जनता के सहयोग से होता है, कोई थोड़ा देता है, कोई ज़्यादा देता है। इस बार ये पंडाल आप देख रहे हैं, भव्य पंडाल जैसे माता वैष्णो देवी में किया जाता है उसका प्रयास किया है, ये हमारे भाई अजय जी, इनका सहयोग हमें मिला है। तो मेरे को लगता है कि आगे भी ये लोग सहयोग करते रहेंगे और धर्म के कार्य इन्हीं लोगों की द्वारा किए जाते हैं। मैं दिन दुगनी रात चुगनी इनके काम में तरक्की बढ़े ये गणपति महाराज से विनती करता हूँ। किस तरह देखते हैं कुछ कई बार के बाहर शरारती तत्व आते हैं कुछ इस तरह से होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सहयोग दे रही है इस बार? एडमिनिस्ट्रेशन का हम एसएसपी मैम से भी मिले थे, कठुआ डीसी से भी मिले थे, उनका पूरा आश्वासन है। एक तो इलेक्शन है उसकी वजह से भी उन्होंने कहा था कि हम आपको प्रोटेक्शन इस बार थोड़ी बढ़िया देंगे, सीआरपी का इंतजाम होगा। और बाकी हमारे वर्कर जो हैं जैसे एकता ग्रुप है, चक से हमारी जागरण कमेटी है, एक जय माता दी, इन लोगों का बहुत सहयोग रहेगा, ये इसमें वॉलंटरी काम करेंगे। और मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश करता है उनके लिए सावधानी बरत लें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा हमने पूरे प्रयास किए हुए।
अजय जी कैसे मन बना कि आज श्री गणेश महोत्सव ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है इतना भव्य कार्यक्रम को और जोवा जो है उनकी बढ़ाएं? पहले तो सभी देशवासियों को, शहरवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और इस गणेश उत्सव की शुभकामनाएं, और कमेटी मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये हर साल इतना बढ़िया प्रोग्राम करवाते हैं। इस बार इन्हें हमें भी एक मौका दिया कि हम भी इसमें कोई सेवा कर पाएँ, और उसी तरीके से हमने उनकी सेवा में थोड़ा सा अपना योगदान दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर वासियों को शाम को सुबह वो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए ताकि हमारी ये जो कमेटी मेंबर्स की सेवा है वे आगे बढ़ चढ़ के हर साल नई दिशा की ओर बढ़े, और शहर वासियों को भी एक मतलब 8-10 दिन का ये एक अच्छा प्रोग्राम जो हमारे धर्म के लिए बड़ा अच्छा है, और वो हर साल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा करके और लोग इकट्ठे हों और आगे हमारा ये जो बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, इसको आगे की ओर ले जाए, यही मैं चाहता हूँ। किस तरह से देखते हैं इस कमेटी द्वारा सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जो है कई सालों से किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं कुछ और लोगों को भी इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि शहरवासी जितने भी हैं, जो लोग आगे पीछे नहीं आ रहे, वो भी इनको भी आना चाहिए। इतना बढ़िया प्रोग्राम है, मैं तो पहली बार आया हूँ, झूठ नहीं बोलता, मुझे भी इन्होंने बुलाया तो मैं आया, अदरवाइज़ हम इसी शहर में रहते हैं, नहीं कभी मौका मिला आने का। मैं चाहता हूं कि पूरा शहरवासियों को आना चाहिए, हम भी अपने माध्यम से सबको बताएंगे, और आपके मीडिया की तरफ से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जितने चाहे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद।